अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपली खाना खजाना। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद की स्पेशल रेसिपी, जिसका नाम है मटन दो प्याज़ा, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और बन भी जाती है बहुत ज़्यादा झटपट। बहुत ही जल्दी बकरा ईद आ रही है, आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अगर मेरे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक कुकर लेना है। कुकर में मैंने 3 चम्मच तेल लिया है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमें इसमें सारे गर्म मसाले डालना है। गर्म मसाले को 2 सेकंड तक अच्छे से सॉटे करने के बाद मैंने इसमें प्याज डाली है। प्याज मैंने तकरीबन यहाँ पे 4 बड़ी प्याज ली है, क्योंकि हम बना रहे हैं मटन दो प्याज़ा जिसमें प्याज ज़्यादा लगती है, इसलिए आप इसे 4 लेंगे। अगर आपकी मीडियम है तो आप इसे 5 भी ले सकते हैं। प्याज को हमें तब ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट करना है, ज़रा सी हल्की सी मुलायम करना है। उसी के साथ मैंने 3 अक्खी लाल मिर्च डाली है और 4 से 5 मैंने यहाँ पे हरी मिर्च डाली है। बस अच्छे से हमें 2 सेकंड तक इसे सॉटे करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है सीधा मटन। मटन को आपको अच्छे से धोकर इसमें डालना है और प्याज और मटन को हमें अच्छे से साथ में भून लेना है। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, वो मैंने डाला है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच या मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अब इन सब को अच्छे से मिक्स करके हमें अच्छे से भून लेना है। ध्यान रहे, आप इसमें प्याज जब डालेंगे तो बिल्कुल कंजूसी नहीं करना, क्योंकि प्याज से ही हमारे जो ग्रेवी में है टेस्ट आएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 मीडियम छोटे से टमाटर लिए हैं मैंने, ज़्यादा बड़े नहीं लिए। अगर आप बड़े लेना चाहते हैं तो सिर्फ आप 1 भी लेंगे तो चलेगा, और 2 लेंगे तो आप मीडियम लेंगे। ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसे सीटी देंगे तो उसमें हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से गल जाएंगे। साथ ही में मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। तेज़ाइयत के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी डाली है। 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर धनिया पाउडर डाला है, आप कुटा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे तो और अच्छा है। नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें, और कम तकरीबन 5-7 मिनट तक इसे अच्छे से हमें भून लेना है। 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाला है और अच्छे से इसे 5-7 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डालकर इसे 3 से 4 सीटी लगा ली है। आपको आप अपने हिसाब से इसमें सीटी लगा दीजिए, आपको 90% तक गोश्त को अच्छे से गला लेना है। आप देखेंगे कि कुकर खोल के तो इसमें काफ़ी हद तक आपको पानी दिखेगा, क्योंकि टमाटर प्याज ने प्याज पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसे अच्छे से हमें भून लेना है। जब तक भूनना है, जब तक ये अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता। चलिए इससे हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने 1 चम्मच तेल लिया है। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा उसके बाद मैंने 2 खड़ी लाल मिर्च ली है और 1 प्याज को मैंने चौकन कट करना है। आपको आप देख सकते हैं ऐसे हमें कट करके इसमें डाल देना है और हमें प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। बस ये डालने से जो है हमारे मटन दो प्याज में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में जो प्याज आएगी ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़रूर से ये डालना। आप देख सकते हैं हमारा जो पानी है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। बस आपको इसको भूनते रहना है, साथ ही में यहाँ पे आपको हरा धनिया डाल देना है और मिक्स कर लेना है। ज़्यादा आपको इसको ड्राई नहीं करना है, थोड़ी ही ग्रेवी आपको इसमें अच्छी लगेगी खाने में। आप रोटी, तंदूरी रोटी, नान वगैरह के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरे को मटन को पकाते पकाते तकरीबन 10 मिनट हो चुका है, काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर तरी भी आ गई है। हमारा मटन दो प्याज़ा तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत जल्द बकरा ईद आ रही है, आप ज़रूर से ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके घर वालों को आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप एक बार बनाएंगे तो आपके घर वाले इसे बार बार बनाने के लिए बोलेंगे। चलिए मैं आपको सर्व करके दिखा देती हूँ।
बहुत सारी रेसिपी अपलोड है बकरीद के लिए, आप वो भी जाके ज़रूर देखिए और मेरी वीडियो को लाइक करें। फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय एवरीवन।